लेट मी सी, बिकॉज हु इज द होस्ट? Sir, I am. Actually, you not share the screen. I have not. I couldn't hear. Share my screen. सर मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, ठीक है? तो फिर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ठीक है बेटा. ओके, तो यू आर रिकॉर्डिंग दिस सेमिनार? यस सर। ओके, तो लेट अस बिगिन अवर टॉपिक टुडे. टुडे आज हम ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे. टुडे वी जस्ट अबाउट सी व्हाट इज द एग्जामिनेशन पैटर्न, व्हाट इज सिलेबस, और हम कितना टाइम दे सकते हैं. यू आर ऑल फ्रॉम ईयरली मोड, सब ईयरली मोड से हैं बच्चे. लेट मी शेयर यू फर्स्ट. Yes. Can you see the syllabus? Hello? यस यस सर। Let us begin our topic. This is wonderful to understand. Aaj, the first and more foremost important that your subject name is called business economics. The code is 1845. And the objective of this course to student acquainted with the principle of business economics and which is applicable in business. There are 5 units. 5 unit hai, and each unit consists of some important topics. First unit, fair enough, हमें पता है. फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज इकोनॉमिक्स. अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड कंसेप्ट टाइप्स, डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो. देन वी डिस्कस अबाउट, इंडिपेंडेंटली डिस्कस अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स. समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे. देन वी डिस्कस अबाउट जनरल थ्योरी ऑफ प्राइस इक्विलिब्रियम. प्राइस इक्विलिब्रियम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जहां मांग और पूर्ति एक दूसरे से मिलते हैं उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं. फिर हम पढ़ेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम, स्टैटिक डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा क्वेश्चन में आता है, वो है प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रॉ मटेरियल्स, डिस्कस करेंगे वर्किंग कैपिटल, और डिस्कस करेंगे फिनिश गुड्स, हाउ इनपुट कन्वर्ट इनटू आउटपुट. इनपुट से, कच्चे माल से पक्का माल कैसे बनता है, उसके बारे में हम कर्व से द्वारा जानने की कोशिश करेंगे. और हम जानने की कोशिश करेंगे एक्चुअली इकोनॉमिक्स होता क्या है. चलिए हम पहले आपसे शुरुआत करते हैं. क्या मुझे बताएंगे व्हाट इज मीन ऑफ अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड अर्थशास्त्र?
यस एनीबॉडी एनीबॉडी कैन शेयर व्हाट इज मीन बाय अर्थशास्त्र. अर्थ का मतलब क्या होता है और शास्त्र का मतलब क्या होता है. यस स्टूडेंट आर यू देयर. यस सर. क्या होता है बेटा अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है बेटा. अर्थ का मतलब क्या होता है. मनी. मनी वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया बेटा. अर्थशास्त्र का मतलब होता है स्टडी ऑफ वेल्थ. स्टडी ऑफ वेल्थ स्टडी ऑफ मनी. तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्टडी ऑफ वेल्थ क्या होता है. What do you mean by study of wealth? आखिर चाणक्य द्वारा इकोनॉमिक्स को समझाया गया है कौटिल्य नीति. वेयर दे हैव स्टेटेड कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉल्ड इकोनॉमिक्स. द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स मीन्स इन सिंपल यू कैन से द स्टडी ऑफ इनकम. स्टडी ऑफ इनकम. Here we discuss about micro and macro. Micro means small, macro means large. समझ लो you are individual. अगर मैं सिर्फ एक बच्चे की बात करूं तो वो क्या है micro. लेकिन मैं सबकी बात करूंगा तो वो क्या है macro. अगर मैं आपकी क्लास की बात करूंगा बाकी सारी क्लास के सामने तो आपकी क्लास क्या हो जाएगी माइक्रो इन कंपेयर टू द अदर्स. तो योर क्लास बिकम माइक्रो एंड अदर्स बिकम मैक्रो. तो हाउ स्मॉलर इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ स्मॉल दे बिकम माइक्रो. एंड जब हम बड़े की बात करते हैं तो वो क्या होता है मैक्रो. समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे. हम जब इंडिविजुअल की बात करते हैं तब हम बात करेंगे हम किसकी बात कर रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स. और जब हम बड़े की बात करेंगे तब हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसके अंदर हम बात करते हैं कंजम्पशन इनकम टैक्स नेशनल इनकम क्या है बड़ा है. इंडिविजुअल डिमांड क्या है माइक्रो. लेकिन नेशनल डिमांड क्या है मैक्रो. इंडिविजुअल कंजम्पशन क्या है माइक्रो. नेशनल कंजम्पशन क्या है मैक्रो. किसी व्यक्ति ने खाना खाया तो उसके लिए माइक्रो है. इंडिविजुअल की सैलरी क्या है माइक्रो. लेकिन देश की सैलरी क्या है तो हम जो कंजम्पशन पैटर्न की बात करेंगे वो हम कंजम्पशन पैटर्न की बात करेंगे तो वो है मैक्रो. और जो हम एक जने की बात करेंगे वो है माइक्रो. हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे. ये क्वेश्चन हमेशा कवर में आता है. चलिए हम थोड़ा सा एक एग्जामिनेशन पेपर देख लेते हैं. अगर मेरे पास एग्जामिनेशन पेपर होगा तो आई विल शेयर वन एग्जामिनेशन पेपर. तो मेरे ख्याल से वो आपको एक आइडिया देगा कि आखिर एक्चुअली हम करना क्या चाहते हैं. बट एक्चुअली वी वॉन्ट टू स्टेट इट. लेट मी सी द एग्जामिनेशन पेपर. नो पेपर नहीं है. दिखा आपको बेटा. यस सर. दिस इज बैंक. दिस इज बीकॉम फर्स्ट ईयर पेपर 2018. मुझे पिछले साल का मिला. मुझे पता नहीं इस साल का पैटर्न क्या है. मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है. 100 मार्क्स का पेपर है आपका. आपका ईयरली मोड है कि सेमेस्टर मोड है बेटा. आपका बीकॉम ईयरली है. ठीक है तो ये ईयरली पेपर है. तो हमारे पास क्या है. हमारे पास पार्ट ए पार्ट बी और पार्ट सी है. पार्ट ए में 20 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं. सारे क्वेश्चन करने वेरी इंपॉर्टेंट है. पार्ट बी में 50 मार्क्स का पेपर है जिसके अंदर आपको ऑप्शंस मिलेगा. और 5-3 के अंदर आपको कोई भी दो क्वेश्चन करने हैं. चलिए हम देख लेते हैं. सबसे पहले हम आ जाते हैं पार्ट ए यूनिट 1. तो यूनिट में सबसे पहले पूछा है मार्शल की डेफिनेशन पूछिए. वेल्थ वेल्थ इकोनॉमिक्स क्या इकोनॉमिक्स से वेल्थ. तो मार्शल की डेफिनेशन पूछिए तो आपको एक लाइन में मार्शल की डेफिनेशन बतानी है.
फिर आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा है आपको स्टैटिक और डायनेमिक इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, स्थैतिक और प्रायोगिक अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, तो ये एक एक मार्क्स का आंसर है। मेरे ख्याल से आप आराम से कर सकते हैं, दो नंबर आ जाएंगे आपको। फिर पूछता है कंज्यूमर सरप्लस किसे कहते हैं, एक लाइन में समझाना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि उदासीनता कर्व, इनडिफरेंस कर्व में जो चेंजेस आते हैं ऊपर से नीचे जो होता है क्या रीजन है, कारण बताना है। तो अगर हम पूछा, कोई आपसे पूछा कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, तो आपको सिंपल से बात करनी है कि सेक्रीफाइस ऑफ अल्टरनेटिव। सेक्रीफाइस ऑफ अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि आपको आपको डिसीजन लेना है, लेकिन उस डिसीजन लेने के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजों को त्यागना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अवसर लागत, क्या कहते हैं, अवसर लागत, अवसर लागत, अवसर लागत को त्यागना पड़ेगा किसी चीज को पाने के लिए। मैं अगर आपके सामने एक एग्जांपल रखूं, आज हम सिर्फ गेट टुगेदर करेंगे, हम बात पे नहीं आएंगे, सब सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक घर है, मेरे पास क्या है, घर है मेरे पास, या तो मैं घर पे घर को किराए पे दूं और किराए का मजा लूं, या फिर मैं वहां पर बिजनेस स्टार्ट करूं। क्या स्टार्ट करूं, बिजनेस। अगर मैं उस घर को किराए पे देता हूं तो मुझे 1,20,000 रुपए की कमाई होती है साल, महीने का 10,000 रुपए, साल का 1,20,000 रुपए। कंज्यूमर सरप्लस की बात करनी मुझे, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने उस घर को क्या दे दिया, बिजनेस के लिए यूज किया, तो मुझे क्या निकालना है, सैक्रिफाइस अल्टरनेटिव निकालनी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी, अवसर लागत निकालनी। तो उसमें कहीं ना कहीं कंज्यूमर सरप्लस के हम रूल करेंगे। इसके बाद हम इनडिफरेंस कर्व करते हैं, किसी एक पॉइंट को बढ़ाने पर टोटल में कितना डिफरेंस आता है, कंज्यूमर सरप्लस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो हम पढ़ रहे थे, सैक्रिफाइस अल्टरनेटिव, किसी एक चीज को त्यागने पर हमें जो दूसरा लाभ हो रहा है। जैसे मैंने आपसे बात करी अभी मकान के किराए पर 1,20,000 रुपये, अगर मैंने वहाँ बिजनेस स्टार्ट किया तो 1,60,000 रुपये कमाया, तो मैंने कमाया जरूर 1,60,000 रुपये, लेकिन मैंने उसके लिए क्या चीज़ त्यागी, मैंने मकान का किराया त्यागा, वो मकान का जो किराया है ना जो मैंने सेक्रीफाइस किया, वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या है, अपॉर्चुनिटी, अवसर लागत, अवसर लागत। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक ऑफ स्किल्स, मित्र का पैमाना, ये सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन आएंगे, ये जो मैं आपको बता रहा पेपर में, ये इसी ढंग का क्वेश्चन पेपर पर आएगा और आपको हर पॉइंट को ध्यान से करना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मार्केट, मार्केट में क्वेश्चन बहुत बनते हैं और मार्केट में अच्छे नंबर आ जाते हैं। मार्केट चार तरीके का होता है, एक होता है पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता इसे परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं, और अपूर्ण प्रतियोगिता। इसके अलावा और मार्केट होता है जिसे कहते हैं मोनोपोली मार्केट, एकाधिकार। इसके अलावा मोनोपोलिस्टिक एकाधिकृत मार्केट, और एक होता है ओलिगोपोली। तो हमें हर मार्केट को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो परफेक्ट कंपटीशन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे समझ लीजिए एक जगह है जहां पर बहुत लोग आलू बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, आलू बेच रहे हैं, तो सबके पास कॉमन है आलू, तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, वन। प्राइस क्या है, सेम, सब कह रहे हैं 40 रुपए किलो आलू, तो 40 रुपीज प्राइस। तो वो जगह जहां पर सब लोग, बहुत सारे विक्रेता हैं और बहुत सारे क्रेता हैं, वस्तु एक है और कीमत एक है, तो वो क्या है, परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता। जहां पर एक ही सेलर है, बाकी सब बायर है, क्या होता है, एक अधिकृत बाजार में जहां पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आता है, वस्तु तो एक ही है लेकिन ब्रांड के कारण, एडवर्टीजमेंट के कारण काफी परिवर्तन आ गए। जैसे सब लोग कह रहे हैं बॉर्नविटा पीने से लंबाई बढ़ती है, बूस्ट पीने से ताकत बढ़ती है, और माइलो पीने से एनर्जी आती है, लेकिन सब में वही है, एक ही चीज है, दाल का पाउडर और दाल और गेहूं का पाउडर है जिसे चॉकलेट डाल के दूध में घोट के पी रहे हैं, रोटी खाओगे तो अपने आप अच्छे हो जाओगे, तो लेकिन दिस इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक। और ओलिगोपोली मार्केट जिसे हम कहते हैं अल्पाधिकार, जिसमें क्या होता है, टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन मीन्स व्हाट, वेयर
there are few seller like Jio, Airtel, Reliance, Jio, Airtel, Reliance Industries, Anil Ambani's, Idea, Vodafone, BSNL, only few players are there. And they all are interconnected, mutual understanding, interconnected with each other. Then what has happened? Then सबको क्या है एक प्राइस बढ़ाता है दूसरे को बढ़ानी पड़ती है. तो जियो ने सब कुछ फ्री कर दिया था तो सबको उसी पैन लगा. तो सबका क्या है जो कोई बढ़ाएगा उसे उसी तरीके चलना पड़ेगा. ये क्या है ओलिगोपोली मार्केट. उसके बाद जो फिफ्थ यूनिट है वो बताएगा हमें लगान. हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, इंटरेस्ट का एस्पेक्ट है, ये भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जिसको हम समझेंगे और इन चीजों पर गणना करेंगे. ठीक है, ये था हमारा पार्ट वन जिसमें सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी, आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते. अब है यूनिट टू. यूनिट टू में थोड़ा सा हमने चीजों को उन्होंने और कुछ किया है. वापस उन्होंने क्या पूछा है, रॉबिन्स की डेफिनेशन पूछी है लेकिन अब थोड़ा बड़े पैमाने पर. उसके अलावा बेसिक फंक्शन इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम के बेसिक फंक्शन क्या है वो पूछे हैं. इसके अलावा उन्होंने यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में समझा है. तो यूटिलिटी क्या होता है, किसी चीज को उपभोग करने पर जो मुझे उसे प्राप्त होता है वो क्या मेरी टोटल यूटिलिटी. जैसे मैंने एक सेब खाया और उससे मुझे इतनी यूटिलिटी प्राप्त हुई, अगले सेब से ज्यादा हुई, अगले सेब से और ज्यादा हुई, लेकिन एक टाइम के बाद क्या मेरी जो यूटिलिटी है ना वो क्या घटने लग जाती, वो क्या मेरी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती. तो डिमिनिशिंग ऑफ लॉ मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत. तो उसमें हम पढ़ेंगे कि सेब खाने के बाद मुझे मेरी जो सेब के प्रति जो इच्छा है वो खत्म हो गई, लेकिन मेरी भूख खत्म नहीं हुई है, लेकिन मेरी सेब के प्रति इच्छा खत्म हो गई. हम उसको डिस्कस करेंगे, कैसे पढ़ेंगे कि सेब की इच्छा कैसे घट गई मेरी, कि मैं एक ही सेब से क्या हो गया, बोर हो गया, मुझे कुछ नया प्रोडक्ट खाने के लिए चाहिए. तो वो मेरा क्या है, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता, दोनों में अंतर देना है, एक डायग्राम समझाना है. इसके अलावा इंक्रीज ऑन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड की बात पर बात करेंगे, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और की बात करेंगे. तो जैसे जैसे वस्तु की कीमतें बढ़ती है तो इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड होता है. तो कीमत से सीधा संबंध होता है इंक्रीज और डिक्रीज का. ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत है. उसके बाद हम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट पढ़ेंगे. फिक्स कॉस्ट क्या होती है, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ना हो हमेशा एक जैसी रहती है, और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाता है वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाती है. अगर मैं इसके लिए एग्जांपल दूं तो एक सिंपल सा एग्जांपल यही है कि मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके घर आता है. तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या होता है, दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं. एक होता है फिक्स कॉस्ट, तो आपको वो फिक्स करना पड़ता है. उसके अलावा जो दूसरा कॉस्ट होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है. मतलब मैं आपको बता दूं, मेरा बिजली का बिल, मैं घर पे रहूं ना रहूं 170 रुपये आएगा, वो क्या है फिक्स. 170 तक उसने मुझे कहा कि 25 यूनिट तक 170 रुपये आएगा, 25 से कम है तो 170 ही आएगा. तो आए ना आए 170 आएगा, लेकिन उसके बाद मैं यूज करूंगा तो क्या आएगा, मेरा वेरिएबल कॉस्ट. जैसे जैसे आता है मेरी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाती है, प्रोडक्शन या घटे मेरी कॉस्ट क्या रहती है, फिक्स रहती है, वो क्या होती है फिक्स कॉस्ट. फिर हम एवरेज फिक्स कॉस्ट पढ़ेंगे, मार्जिनल कॉस्ट पढ़ेंगे, और सारी कॉस्ट को पढ़कर एक दूसरे से मिलाएंगे. इसके अलावा हम पढ़ेंगे मार्केट क्या होता है, मार्केट के टाइप्स क्या हैं, इम्परफेक्ट और परफेक्ट पर क्या डिफरेंस है. देखा तेरा क्वेश्चन एक आ रहा है, एक क्वेश्चन पैटर्न समझ लेंगे ना तो जल्दी जल्दी समझ आएगा. तो मार्केट मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल है. क्या होता है मार्केट, कोई मुझे बताएगा, व्हाट इज मीन टू अंडरस्टैंड बाय मार्केट. मार्केट से आप क्या संबंध समझते हैं बेटा, मार्केट आपको ज्यादा सामान मिल जाता है. हाँ बेटा बताओ मार्केट क्या होता है बेटा, मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा क्या क्या क्या. ये साहब अपने कैमरे ऑन करोगे, मुझे दिख तो कौन कौन बच्चे मेरी क्लास के अंदर. यस कैन यू ओपन योर कैमरा सो आई कैन सी यू हु आर माय स्टूडेंट्स हु इज इन द क्लास. यस नरेश माली बेटा वेरी गुड. मार्केट जहाँ पे ज्यादातर शॉप्स मिल जाती है हर चीज की.
उसे मार्केट कहते हैं। जैसे अभी भैया मार्केट में बैठे हैं, इनकी शॉप है यहाँ पर, मार्केट है ना निरेश? तो yes, मार्केट, मार्केट क्या होता है, एक जगह है जहाँ बहुत सारे, एक जगह है मार्केट की, एक जगह है मार्केट इज अ प्लेस जहाँ बहुत सारे क्रेता और विक्रेता घूम रहे हैं, बायर्स और सेलर्स हैं। इसके अलावा क्या है, प्रोडक्ट है, इसके अलावा क्या है, प्राइस है, इसके अलावा क्या है, कम्युनिकेशन है। तो मार्केट क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, जो किसी प्रोडक्ट को लेकर वस्तु को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से ट्रांसफर कर रहे हैं, हस्तांतरित कर रहे हैं किसी कीमत पर, क्या कहलाता है मार्केट, क्या कहलाता है मार्केट। तो इंग्लिश वाले बच्चे कहते हैं मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर स्टे टुगेदर फॉर बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस। तो मार्केट वो जगह है जहाँ पर बहुत सारे क्रेता और विक्रेता एक दूसरे से मिलकर किसी वस्तु को खरीदने और बेचने का कार्य कर रहे हैं। और ऑनलाइन, ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में ऐसा ही है, वो मार्केट प्लेस नहीं है, नहीं घर बैठ के कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन मार्केट क्या कहते हैं, ऑनलाइन मार्केट। इसके अलावा हम पढ़ेंगे दोनों में अंतर, तो ये क्या है हमारा यूनिट 4। और फिफ्थ यूनिट के अंदर आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है बेटा, कोई मुझे बताएगा राष्ट्रीय आय क्या होती है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राष्ट्रीय आय? पूरे राज्य के व्यक्तियों की कुल इनकम। अगर मैं इसे कहूं राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है, एक देश, एक देश की, एक वर्ष की, एक देश की, एक फाइनेंशियल ईयर की, 1 अप्रैल से 31 मार्च के होने वाली कुल वस्तुओं और सेवाओं की बाजार मूल्य को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें घटाते जाएंगे और जो पीछे बचेगा वो क्या आएगा, एनआई, नेशनल इनकम। तो ये क्या है, नेशनल इनकम और जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। तो सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, नेशनल इनकम निकालेंगे, उसके बाद वापस से हम बड़े क्वेश्चन में आ गए हैं हमारा पार्ट सी। तो पार्ट सी में उसने पूछा है माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या है और एक्सप्लेन इंटरडिपेंडेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पूछना है। तो आपको एक चार्ट बनाना है बेसिक के आधार पर, उसके मार्क्स हैं। दूसरा क्वेश्चन है इंटरडिफरेंस कर्व, तीसरा है लॉ ऑफ, इन सब में से कोई भी दो क्वेश्चन करने, क्या करने, मोनोपोली पूछ लिया है और किंग्स की लिक्विडिटी पूछ लिया है। तो ये आपका खत्म हो गया है, तो मैं बस आपका एग्जामिनेशन पैटर्न देख लूंगा, अगर कुछ चेंजेस हुआ तो ठीक है, नहीं तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाए हैं हम इसको इसी क्वेश्चन पैटर्न में करेंगे। तो मैं आपके सामने सिलेबस खोल देता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास सिलेबस के अंदर क्या है, सबसे पहले हमारा सिलेबस क्या क्या है, सबसे पहले है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर उसका डेफिनेशन, नेचर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका स्कोप, तो उसकी परिभाषा, उसकी, उसके अलावा माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स का टाइप्स, उसके डिफरेंसेस, दोनों की इंटरडिपेंडेंट अलग अलग बताने हैं और दोनों को समझाना है, ठीक है? दूसरा है जनरल प्रयास स्टोरी, फिर है पार्शियल इक्विलिब्रियम, फिर है स्टैटिक डायनेमिक्स, आगे क्वेश्चन आ गया, और प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी, तो सारी क्वेश्चन है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये है क्वेश्चन नंबर 2, ये है क्वेश्चन नंबर 3, ये है क्वेश्चन नंबर 4, ये है क्वेश्चन नंबर 4, ये है क्वेश्चन नंबर 5, और ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन बनते हैं हमारे मॉड्यूल 1 से, यूनिट 1 से, क्लियर? उसके बाद आता है यूटिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 1 यूटिलिटी, क्वेश्चन नंबर 2 लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्वेश्चन नंबर 3 लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम,
क्वेश्चन नंबर 4 कंज्यूमर सरप्लस, क्वेश्चन नंबर 5 डिमांड और लॉ डिमांड, क्वेश्चन नंबर 6 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्वेश्चन नंबर 7 मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्वेश्चन नंबर 7 इंडिफरेंस कर्व, क्वेश्चन नंबर 8 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और क्वेश्चन नंबर 7 देयर सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। ठीक है 1 2 3 4 5 6 ठीक है यार धीरे धीरे, तो हम एक एक क्लास के अंदर एक एक चीज को करते जाएंगे और निकलता जाएगा। मैं आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों के नोट्स दूंगा लेकिन समझाऊंगा आपको इसी तरीके से, मेरे इतना अच्छी हिंदी है नहीं लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छी हिंदी में समझाऊं। इसके अलावा हमारा अलग टॉपिक है यूनिट 3 प्रोडक्शन फंक्शंस, लॉ ऑफ रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, रेवेन्यू चार्ट, हम कॉस्ट पढ़ेंगे, हर तरह की कॉस्ट पढ़ेंगे और इकोनॉमिक ऑफ स्केल पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 1, दूसरा है 2 जिसके अंदर इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंट और डिमिनिशिंग 3 हो गया, तो एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, सबसे पहले बढ़ता हुआ फिर बराबर फिर घटता हुआ, इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंट और डिक्रीजिंग, फिर आईएसओ कॉन्स्टेंट पढ़ेंगे, आईएसओ कॉन्स्टेंट कर्व पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कॉस्ट। तो 1, 2, 3, 3, 2, 4, 5, 6, 7 इसके अलावा डायनेमिक प्रेजेंटेशन करेंगे इकोनॉमिक ऑफ स्केल की। तो 6 क्वेश्चन हो गए, तो 6-7 क्वेश्चन हर चैप्टर के अंदर हैं, हम इन चीज को डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारे पास 4th यूनिट जिसे कहते हैं मार्केट। क्या कहते हैं? मार्केट। मार्केट किसे कहते हैं? मार्केट की करेक्टरिस्टिक्स, मार्केट का क्लासिफिकेशन और मार्केट के अंदर प्राइस डिटरमिनेशन। तो मार्केट में हम 4 मार्केट पढ़ेंगे, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकृत और अल्पाधिकार। तो यही है सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ओलिगोपोली में किंग डिमांड कर, किंग डिमांड कर मतलब मार्केट चढ़ते जाते थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। फिर प्राइस लीडरशिप थ्योरी, फिर टाइम एंड प्राइस डिटरमिनेशन कमोडिटी, तो ये सब किस में आएगा? लीडरशिप रोल के अंदर आएगा। ये क्या हमारी यूनिट 1। उसके बाद हमारे पास आता है यूनिट 5 जिसके अंदर हम थोड़ा सा थ्योरीज पढ़ेंगे। सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, देखो पैसा कहाँ कहाँ से आता है। पैसा आता है सबसे पहले रेंट से जिसे कहते हैं लगान, तो लगान का सिद्धांत पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मजदूरी का सिद्धांत, फिर हम पढ़ेंगे ब्याज का सिद्धांत इंटरेस्ट थ्योरी, और उसके अंदर हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, फिर हम पढ़ेंगे लाभ का सिद्धांत, रिस्क इनोवेशन जिसमें सिंपुटर कहता है मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। इसके अलावा हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, राष्ट्रीय आय के निकलने के तरीके मेथड्स, हम पढ़ेंगे GDP, GNP, NNP, NI, पर्सनल इनकम, डिस्पोजिबल पर्सनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, और क्या क्या मुश्किलें आती है नेशनल इनकम निकालने के लिए, दोहरी गणना, और लोग छुपाते हैं बताते नहीं हैं, और कैश ट्रांजेक्शन कर देते हैं, सब चीज़ें हमारे पास नहीं आ पाती है। तो ये सब चीज़ें क्या है हमारी यूनिट 1, 2, 3, 4, 5। यस, कहाँ गए मेरे प्यारे बच्चे, नजर आया? तो आज हम यहीं पर इसको टॉपिक को एंड करेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। मेरे पास मुझे, मैं आपको ना, आप मुझे अपना लिंक भेजना, मैं आपको गूगल का ही मीट का लिंक भेजूंगा, क्योंकि मुझे इसमें क्या टेक्निकलिटी समझ में आ नहीं रही है, जूम पे मैंने जूम पे ज़्यादा वर्क किया नहीं है। तो यू विल सेंड मी योर ईमेल आईडी, तो आई विल क्रिएट वन क्लास ओनली फॉर यू एंड वेयर यू कैन, आई विल ऐड यू एंड आई विल सेंड यू वन इन्विटेशन। तो आप जो भी इन्विटेशन मैं दूंगा, तो आप कोशिश करना आपके क्लास के सारे स्टूडेंट्स की ईमेल आईडी मुझे भेज देना, तो मैं सबको इन्विटेशन भेज दूंगा, आप उसे क्लिक कर देना, और जब भी हम वर्कआउट करेंगे तो उसी पे हम क्लिक करके हम उससे वर्कआउट कर लेंगे। तो थैंक यू चिराग, एंड थैंक यू माई ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। आई डोंट नो द नेम ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, बट स्टिल आई फाउंड दैट देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माई क्लास, ब्रिजेश, चिराग एंड अदर्स, दोज हु आर देयर। तो
These are five units which are very important for our knowledge and for our discussions. And all five units will be giving you a advancement. Or hum koshish karenge ki how we'll get good marks. Yaad rakhna, economics is very technical. It is not theoretical based. Ki mujhe rat ke kaam aa jayega. आपको टेक्निकली समझनी पड़ेगी, आपको चार डायग्राम सही तरीके से बनाने पड़ेंगे, और जिसके लिए हम काफी देर, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है, और मेरे ख्याल से शायद मार्च में आपके एग्जाम होंगे, तो हमारे पास दो महीने हैं, तो दो महीने में हम कोशिश करेंगे. वी विल ऑल्सो वर्क ऑन संडे, तो संडे को यू विल कम ऑन द क्लास. आप आएंगे संडे में? हेलो, यस यस सर. अगर इफ आई हैव क्लास ऑन संडे तो कैन यू कम ऑन संडे टू? यस, बच्चे कहाँ गए? हाँ सर. अगर क्लास संडे को रखा, अगर रखते हैं, कल तो हम 11:15 मिल जाएंगे बेटा. कल मेरे पास सेशन नहीं है, तो कल टुमारो विल मीट एट 11:15. मंडे को मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा, एक जो टाइम. ओके श्योर सर. क्योंकि मेरा भी यहाँ टाइमिंग थोड़ा सा फिक्स रहेगा, नहीं क्या टाइमिंग इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास और भी सेशन हैं. तो आई विल गिव यू टुमारो एट 11:15 हम मिल लेंगे. श्योर श्योर सर. प्लीज बी देयर एंड ब्रिंग योर कॉपीज एंड एवरीथिंग विद यू. कॉपी अपने पास रखिएगा, और जितने स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम, सबको कहिएगा क्लब होके आए. एंड आई विल, मैं पीपीटी से पढ़ाऊंगा और आपको समझाता जाऊंगा. इसके बाद मैं आपको नोट्स दे दूंगा. क्या दे दूंगा? नोट्स. तो आपको कुछ होना चाहिए ना, लेकिन मैं आपको पीडीएफ फाइल भेजूंगा, तो आपको उसको प्रिंट कराकर पढ़ने पड़ेंगे. ठीक है, मेरे क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा होगा, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा उसका आंसर दूंगा, क्वेश्चन दूंगा आंसर दूंगा. तो अगर वैसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेना. तो जैसा, इससे ज्यादा मैं आपकी वर्कआउट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बुक बड़ी 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 मोटी सी बुक होती है. तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा उसका आंसर दूंगा, क्वेश्चन दूंगा आंसर दूंगा, उसको आप पढ़ेंगे. और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी दूंगा, और लॉन्ग टाइम क्वेश्चन भी दूंगा, और वेरी लॉन्ग टाइम क्वेश्चन भी दूंगा. लेकिन मैं आपको बता दूं, 30 क्वेश्चन है टोटल. कितने? 30 to 35 क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते. 35 क्वेश्चन है टोटल. 35 क्वेश्चन में आपकी पूरा बिजनेस इकोनॉमिक्स कंप्यूटर, 35 क्वेश्चन. और वो उनमें से आपको कई क्वेश्चन आएंगे, कई क्वेश्चन नहीं आएंगे. तो जो आएंगे वो अच्छा है, नहीं आएंगे तो अच्छा है. तो और क्वेश्चन थोड़े घुमा के भी आएंगे, तो वी विल डिस्कस ऑल द पैटर्न. ओके, चलिए. एंड थैंक यू सो मच सर. किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं बेटा मेरे से. एनी क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क, देन आई विल वाइंड अप. सी यू अगेन ऑन 11:15 टुमारो. कल 11:15 बजे हम मिलेंगे.